और बीजेपी की ही कुछ कुत्ते नेता जो हम कहते हैं हमारी बेटियों को हमने अंग्रेजों के साथ किया था उसकी ये लड़ाई है, अगर वो हराम का बच्चा हमारे सामने है तो गर्दन काट दी जाएगी उसकी। संदेश बहुत बड़ा जागा ऊपर दिल्ली तक सरकार पर संदेश जागा। आज ये राजपूतों की जो इन्होंने अनदेखी करी उसका संदेश जागा, राजपूतों का वर्चस्व खत्म करने की जो कोशिश करी उसका संदेश जागा ऊपर। आज सरकार को वो पहले चरण में पता चल जाएगा, पहले चरण में नुकसान देखने को मिलेगा, बहुत भारी नुकसान देखने को मिलेगा 100%। क्या कह रहे हैं इस बार सुपड़ा साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साहब, बीजेपी को इसने लाने का काम किया था, आज उसी को खुल चटाने का काम ये क्षत्रिया करेगा। क्षत्रिय लट खाने के लिए तैयार है जी, अपना सम्मान नहीं खोने के। और बीजेपी एक नारा दीजिए ना कि 400 पार ना, इस बार तो बंटाधार है जी। लोकसभा चुनाव में आज जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की हुंकार है, उसी बीच अगर बात की जाए बेहद नाराज ठाकुर हमारी साथ बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? अतर सिंह, मास्टर अतर सिंह। अतर जी क्या कहना है, आज ठाकुर किस तरह से संदेश देने वाले हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात होती है तो कहीं ना कहीं ठाकुर अपना बड़ा वर्चस्व रखते हैं यहाँ पर। भैया हमारे यहाँ इस सरकार में ठाकुरों का अपमान है, ठाकुरों का बिल्कुल अपमान है और इनका कोई मान सम्मान नहीं है। ठाकुरों का मान सम्मान नहीं है इसलिए आज महापंचायत होने जा रही है। मुख्यमंत्री 4 दिन पहले पहुंचे थे ठाकुरों को मनाने के लिए, ठाकुर ही बिरादरी से है मुख्यमंत्री। ये मुख्यमंत्री को उतारना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री को उतारना चाह रहे तो इसलिए आपको लगता है कि ठाकुर बेहद नाराज है मुख्यमंत्री को लेकर के? कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो सरगमी चल रही है उसको लेकर के ठाकुर नाराज है। हाँ जी। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? रोहित सोमे जी। रोहित क्या कहना है भाई, युवा है और आज की महापंचायत से क्या संदेश जाने वाला है? संदेश बहुत बड़ा जागा ऊपर दिल्ली तक सरकार पर संदेश जागा। आज राजपूतों की जो इन्होंने अनदेखी करी उसका संदेश जागा, राजपूतों का वर्चस्व खत्म करने की जो कोशिश करी उसका संदेश जागा ऊपर। आज अमित शाह, तो अगर बात की जाए इस सभा से बात की जाए जिस तरह से ठाकुर इकट्ठा हो रहे हैं, माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए काम चल रहा है। हाँ जी, सरकार को घेरेंगे, जब सरकार हमारी सुनवाई नहीं करने की अनदेखी करेगी तो हम सरकार को घेरेंगे, जरूर घेरेंगे, सरकार से हम पीछे थोड़ी हट जाएंगे। ठाकुर हम भी, हमारे क्षत्रियों का नाम खत्म करा जा रहा है, क्या है यहाँ जाटलैंड का वो दे रखा, सारे में जाटलैंड है वो। मैं यहाँ और भी जाती है, दलित भी है, मुस्लिम भी है, राजपूत भी है, सैनी समाज भी है, कश्यप भी है, पाल भी है, जोगी भी है, जुलाही भी है, प्रजापति। पश्चिम उत्तर प्रदेश को किसान लैंड कहा जाता है, सबसे पहले अगर बात की जाए चौधरी चरण सिंह की बात होती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को किसान लैंड कहते हैं। हाँ तो चौधरी चरण सिंह किसान नेता है ना, किसान लैंड कहो, हम कद मना कर रहे, किसान लैंड कहो तो किसी जाति के नाम से थोड़ी आप भी सब वो कर दोगे, क्योंकि एक जाति का ही हो गया पश्चिम उत्तर प्रदेश। अगर मेरठ की बात की जाए, सरदना विधानसभा की बात की जाए, 24 क्षेत्र की बात की जाए, यानी 24 गांव, कितना प्रभावशाली रहने वाले 2024 चुनाव? बहुत प्रभावशाली रहेगा, अभी पता चल जाएगा सरकार को पहले चरण में क्या। जाट और ठाकुरों की लड़ाई कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ेगी। हमारी लड़ाई किसी जाति बिरादरी से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, ठीक है, अपने काम को लेकर समाज को लेकर हमारी लड़ाई सरकार से है, जो सरकार हमारी अनदेखी कर रही है कहीं ना कहीं। सरकार की अनदेखी कितनी भारी पड़ेगी? सरकार को वो पहले चरण में पता चल जाएगा, पहले चरण में नुकसान देखने को मिलेगा, बहुत भारी नुकसान देखने को मिलेगा। 80 का टारगेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की बात की जाए कितना नुकसान? लगभग 14 की 14 सीट अब बीजेपी खो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर नुकसान है बीजेपी का 100 के 100%। क्या कह रहे हैं इस बार सुपड़ा साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साहब? ठाकुर इतना वर्चस्व रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कहे जाते हैं और आप कह रहे हैं सुपड़ा साहब है? बीजेपी का कट्टर वोटर रहा है ठाकुर, लेकिन इनके कारनामे, इनके जो काम हैं, उनसे कहीं ना कहीं स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, जिस कारण से आज हम सब अलग खड़े हुए हैं। बताइए कि किसके लिए सपोर्ट करेंगे, क्या अखिलेश यादव के लिए सपोर्ट करेंगे? ये वही खेड़ा है जहां पर मुकदमे लगाए जाते थे, ठाकुरों को चुन चुन कर भगाया जाता था, लाठियां बरसती, ये लाठी बरसने वालों का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे क्या? हमें तो केवल वोट वहां करना है जो इस बीजेपी पटखनी देगा। कौन है वो, कौन है, किसके लिए करेंगे आप बताइए ना उसके बारे में। आज हमारी पंचायत है, उसमें सब निर्णय हो जाएगा कि कहां में वोट देनी है कहां नहीं देनी है। युवा है, क्या कहना है ठाकुरों को लेकर के? बड़ा वर्चस्व इस वक्त मैदान में है, राजनीति गलियारों की बात की जाए तो ठाकुर इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। हम तो ठाकुरों की गैल है, ठाकुर की गैल रहेंगे, हमारा समाज एक है, एक रहेगा, अलग नहीं होगा, अलग नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सोम है। कुलदीप भाई क्या कहना है कि ठाकुरों की आज की महापंचायत से क्या संदेश जाने वाला है? देखिएगा संदेश बहुत बड़ा है, ये कोई जाति बिरादरी की लड़ाई नहीं है, और जो जो बीजेपी सरकार है जिसको क्षत्रिय लोगों ने बनाया था, आज इसके मान सम्मान पे जो बात आई है, मान सम्मान आज का देखा जाए, और बीजेपी की ही कुछ कुत्ते नेता जो हम कहते हैं हमारी बेटियों को हमने अंग्रेजों के साथ किया था उसकी ये लड़ाई है, अगर वो हराम का बच्चा हमारे सामने है तो गर्दन काट दी जाएगी उसकी। जो ये कहता है कि हमने अंग्रेजों को अपनी बहु बेटियां दी हैं, हमने उनके साथ गुलामी की है, तो मैं आपको बता दूं कि क्षत्रियो जो था कि जो मोर था,
मोर ने ताज मांगा और कायर ने डर मांगा और गुज्जर ने फन मांगा। एक क्षत्रिय ऐसा था जिसने अपना रण मांगा था, आज वही क्षत्रिय है जो मैदान में उतर चुका है और जिस बीजेपी को उसने लाने का काम किया था आज उसी को धूल चटाने का काम ये क्षत्रिय करेगा। क्षत्रिय कोई टिकटों की लड़ाई नहीं है, टिकट तो जब चाहे जब ले ले, टिकट कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती क्योंकि क्षत्रिय समाज ने ठाकुर ने हमेशा हाथ ऐसे करा है। लेकिन आज कुछ हमारे नेताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि आज जो हाथ हमारे ये थे आज ऐसे हो गए। मैं उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ, वो भी थोड़ा सा अपने गृहवान में झांके और अपने लोगों को मजबूती से लेकर चले। और जो लोग ये कहते हैं ठाकुरों के नेता की बात आती है तो मेरठ से सरदना विधानसभा से पूर्व विधायक है संगीत सोम, फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं और पश्चिम यूपी की राजनीति में बड़ा कद माना जाता है, उस नेता की अगर बात की जाए वो आपके सपोर्ट में है या नहीं है? देखिएगा यहाँ उसको सब भाई कहते हैं, कोई विधायक के नाम से उनको नहीं जानता है। सबसे पहली बात आप सुन लीजिएगा, पूरी 24 जगह बड़े भाई है, ठीक है, और उनका कुछ इससे लेना देना नहीं है। ये केवल अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है जिसके लिए क्षत्रिय जहाँ तक जाएगा अपना सर भी कलम करा सकता है और दूसरे का कर भी सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि ठाकुरों की जो नाराजगी है वो संजीव सोम से नहीं है, संजीव बालियान से नहीं है, पार्टी से नाराज, पार्टी से बिल्कुल नाराजगी है। संजीव बालियान क्या है, पार्टी चाहे एक मिनट में तार के उसको फेंक दे। हमारा जो मेन मुद्दा है वो केवल बीजेपी सरकार से है और एक वही बात है कि जिसको क्षत्रियों ने दे दिया कमल का फूल, जो एक भूल थी उसको अब सुधारने का काम ये करेगा। जिस प्रकार एक सिपाही को अगर कप्तान बना दिया जाए उस पर देश नहीं चलता है, तो हमने एक ऐसा ही एक मजबूत चौकीदार बैठा दिया है जो भगोड़ा हो चुका है इस समय, केवल पूंजीवादियों की जो सोच है उसको ऊपर लेके जा रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, आज किसान गड्ढे में तार दिया है और जो किसानों की जो फसलें थी आज जो आवारा गौवन से किसान त्राही त्राही मचाया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमान की लड़ाई पर्सनल पे कहां, आप तो अभी स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, आप पर्सनल कहां लेकर आ रहे हैं? ठाकुरों की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, आप अभी बता रहे हैं कि स्वाभिमान की लड़ाई है, लेकिन अब खेत और पूंजीपतियों की बात पर आ गए। कहीं ना कहीं विपक्ष की तरह आप भी ठाकुर उसी रह में जाते हुए नजर आ रहे हैं क्या? जो मैं आपको बता रहा हूं कि पर्सनल लड़ाई थी, इसको भी साथ लेके किसान सब कुछ झेलता आ रहा था, लेकिन जब आज मान सम्मान और स्वाभिमान की और जो हमारे पूर्वजों की बात आई है, लेकिन उसको किसान, उसको क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसकी एक महापंचायत, सबसे पहली जो पंचायत ननौता में देखने को दी गई थी, वहां यह निर्णय ठाकुर पूरन सिंह जी के द्वारा लिया गया था कि जो भी बीजेपी को हराएगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। आज ऐसी ही दूसरी उससे भी बड़ी महापंचायत खेड़ा में 24 ठाकुरों में की गई है, वहां किसको सपोर्ट किया जाएगा किसको नहीं किया जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात आती है चाचा, तो कहीं ना कहीं ठाकुर जो है ठाकुरों को लेकर के वर्चस्व बड़ा रहता है, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कहे जाते हैं, किसके लिए समर्थन करेंगे बीजेपी के अलावा? जो भी वहां से निर्णय होगा सभा में उसी को सपोर्ट करेंगे। जो बीजेपी को हराएगा उसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे जी, 100% के 100%। और रही आप पूछ रहे थे विधायक जी के लिए, संगीत सोम जी के लिए कि उनकी वे बनाना आओगे तो आप राजी होंगे नहीं, वे कैसे बनाना जाओगे हमें? क्या संगीत सोम नहीं बनाएंगे पार्टी के लिए, इतना काम नहीं करेंगे क्या? नहीं, संगीत सोम को इतना भी तो पता है 2022 के चुनाव में हमें पटकनी किसने दी थी, जिसने हमें पटकनी दी। पटकनी देने वाला मामला कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा की अगर बात आती है तो पटकनी देना भी यहाँ जरूरी है। 100 के 100% पटकनी नहीं, धूल चटाओगे हम, जैसा हमें ठाकुर समाज पीछे नहीं हटेगा, उस चीज को भूला नहीं है, 22 चुनाव को भूला नहीं है। हम कैसे भूल जाएं, वे तो हमें बनाना रहे हैं, उनके नेता ही हमारे नेता को कहते हैं विनाश की राजनीति कर रहे हैं। क्या हमने 2013 में विनाश की राजनीति करी थी? जब एक समाज के ऊपर अत्याचार हुआ सबसे पहले हम गए, हमने मुकदमे झेले, खेड़ा में गोली खाई, लटकाया, अब बीजेपी सरकार को लाने का काम करा, आज वही पंचायत करके हम पश्चिम से बीजेपी सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। लठ और गोली के बाद भी कहीं ना कहीं इस वक्त मैदान में उतरा है क्षत्रिय, आज भी लठ खाने के लिए तैयार है जी, अपना सम्मान नहीं खोने के। और बीजेपी एक नारा दे रही ना कि 400 पार ना, इस बार तो बंटाधार है जी, बंटाधार इस मिनट में उत्तर प्रदेश की अगर बात हो 80 का टारगेट बीजेपी लेकर चल। मेरा तो मानना ये है जी कि इस बार जो है संसद से ही ना बाहर हो जाए बीजेपी। क्या कह रहे हैं, जीरो हटा दो, जीरो हटा दो, अगर आठ आठ भी आ जीरो हटानी है, आगे वाली पीछे वाली नहीं, आगे वाली हटा दो, उसको कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से, ये बहुत भूल है। और इस सरकार के अंदर आज इतनी बोगलाट है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी को दिल्ली बुलाया गया है उनको मनाने के लिए, लेकिन क्षत्रिय समाज इससे बिल्कुल मानने वाला नहीं है। क्या मानते, पूरन सिंह बहकावे में आएंगे क्या? पूरन सिंह क्यों बहकावे में, ये क्षत्रिय की जुबान है जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए।
कहा जा सकता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन ठाकुरों की बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ठाकुरों की बात की जाए, तो इस वक्त बेहद नाराज हैं। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ठाकुरों में रूस देखने को मिल रहा है, एक नहीं बल्कि लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर क्षेत्र में ठाकुरों की महापंचायतें चल रही है। चार दिन पहले इसी 24 क्षेत्र में पहुंच करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी थी और अपने समाज स्वाभिमान को लेकर के भी जिक्र किया था। लेकिन ठाकुरों का साफ तौर पर कहना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज नहीं है, लेकिन जो शासन है, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनसे नाराजगी है ठाकुरों को लेकर के जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है। 2013 में ये वही खेड़ा है, एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं, ये वही खेड़ा है जहां पर ठाकुरों ने गोली खाई थी, यहां पर आगजनी देखने को मिली थी, एक नहीं बल्कि कई सौ गाड़ियों में आग लगाई गई थी। यहां पर संगीत सोम पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। तो कहा जा सकता है कि 24 क्षेत्र की हुंकार कहीं ना कहीं सरकार में प्रभावशाली रहती है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का जब सवाल खड़ा होता है तो जाट हो, ठाकुर हो, सभी बड़ा वर्चस्व रखते हैं और एक सीट को क्लियर करने के लिए सभी का सहयोग मिलना यहां पर जरूरी है। एक पार्टी, कोई भी पार्टी, किसी भी एक धर्म के लोगों से, एक समाज के लोगों से यहां पर सीट नहीं निकाल पाती है। तो उसी को लेकर के कहा जा सकता है कि यहां पर जो ठाकुर है बेहद नाराज है। उसी के साथ अगर बात की जाए, आज की महासभा की अगर बात की जाए, तो माना जा सकता है कि ठाकुरों का रोष यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ठाकुरों को बीजेपी नहीं मना पाती है तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 से ज्यादा अब की बार नुकसान यहां पर झेलने को मिल सकता है। कई सीटों की बात की जाए, देखिए मेरठ सीट हो, मुजफ्फरनगर सीट हो, सहारनपुर सीट हो, बिजनौर सीट हो, या फिर हापुड़ बुलंदशहर सीट हो, इन सभी सीटों पर ठाकुरों का बड़ा वर्चस्व है। और उसी को लेकर के अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कोर सपोर्टर भी ठाकुरों को माना जाता है, लेकिन मैदान में आने के बाद लगता है कि ठाकुरों को बनाने के लिए बीजेपी पूरी कोर कसर से तैयार है। कहा जा सकता है कि